मोदी के प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में दशाश्वमेध घाट पर 543 नारियल गंगा को समर्पित किया गया। नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। यह अवसर इसलिए आया कि उन्होंने एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को विजय दिलाने के लिए अथक परिश्रम किया। उनके परिश्रम का परिणाम है देश में सत्ता का परिवर्तन। इस सत्ता परिवर्तन के लिए जब आह्वान किया गया था तो पार्टी ने और मोदी जी ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे और उन लक्ष्यों की पूर्ति का अब अवसर प्राप्त हो गया है। मनुष्य संकल्प लेता है, मन से दृढ़ता प्रकट करता है, कर्म करता है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इन सब के साथ उसे ईश्वरीय आशीर्वाद की भी आवश्यकता पड़ती है। आज इलाहाबाद में जिस प्रकार से संगम के तट से आशीर्वाद की ध्वनि उठी है, मुझे विश्वास है कि मोदी जी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र तट पर आज यह जो सुराज महायज्ञ का आयोजन किया गया है, इसमें जिन लोगों ने आहुति दी है, वह सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी को शक्ति दे, मोदी जी को समर्थन दे, मोदी जी को प्रेरणा दे कि अपने कार्यक्रमों को जो उन्होंने निर्धारित किया है सफलतापूर्वक निष्पादन कर सके। विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर प्रयाग के आयोजित किया गया, जिसका मकसद ये है कि जो 543 सांसद संपूर्ण भारत में जीत के आए हैं सभी पार्टियों के, और उसके साथ साथ जो हमारे नरेंद्र मोदी जी इसके नायक बन के उभरे हैं, उनके सुरक्षा संरक्षा और मनोकामना पूर्ति हेतु यह सुराज महायज्ञ रखा गया, क्योंकि वो सुराज की ही लड़ाई लड़ रहे थे इस चुनाव के पूर्व। तो ये सुराज महायज्ञ इसीलिए इसका नाम दिया गया कि सुराज की इस देश में कामना हो, उसकी सफलता हो मिले, इसलिए जो है आज ये सुराज महायज्ञ के माध्यम से हम लोगों ने संगम को विश्व धरोहर का दर्जा मिले, यूनेस्को से माँ गंगा यमुना निर्मल हो, ये मुद्दा ये 543 सांसदों तक पहुँचे और माननीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचे कि इसीलिए संस्था प्रयागराज सेवा समिति के द्वारा विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध